यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा चले साथ घर को घड़ी ऐसी सिया यही है तमन्ना है तमन्ना बने बाब तुम सा चले सात

आकि नशे कोई अब that's all for me ते याता अमृत पीते हैं। फल को सफल बना देंगे तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे तेरी याद का अमृत पीते हैं तेरी याद का अमृत पीते हैं तेरी रहे याद सदा ही साथ तेरी बस और न हम कुछ चाहेंगे बस और न हम कुछ चाहेंगे तेरी याद का अमृत पीते हैं तेरी याद का अमृत पी शांति अव्यक्त बाप दादा रिवाइज डेट है इकतीस नाइन्टी नए वर्ष में अनुभवी मूर्त बन सब को अनुभवी बनाओ शांति बन डायमंड जुबली हॉल के उद्घाटन अवसर पर आज नजर से निहाल करने वाले बाप दादा सभी अति स्नेही सहयोगी स्नेह में लवलीन बच्चों को देख रहे हैं हर एक बच्चे के मस्तक में दिल में स्नेह का सबूत दिखाई दे रहा है हॉल में पीछे वाले भाई बहनों से आप सोचेंगे कि हम पीछे वाले तो दिखाई नहीं देते हैं लेकिन बाप दादा के नैनों में ऐसी अनोखी टीवी है जिससे दूर की चीज भी सामने दिखाई दे रही है चाहे कहाँ भी कोने में बैठे हो, लेकिन बाप के सामने हो अभी तो फिर भी आराम से बैठे हो ना उस समय सभी ने तालियां बजाई बच्चे तू बाप को पहचानता है बाप को जानता है परमात्मा पता है तुझे भगवान ईश्वर अल्लाह गॉड परमेश्वर जो भी टाइटल है हॉल में बैठने की बात नहीं है इस दुनिया के किसी भी कोने में कोई बच्चा बैठा है जिसकी दिल सच्ची है बाप की नजर उस पर है पूरी पूरी उस पर नजर है जिसकी दिल सच्ची है तू कहा बैठ बाप तुझे देखता रहता है बच्चे चेक कर दिल सच्ची है क्या हर बच्चा कहेगा हाँ बाबा हाँ जी बाबा हमारे दिल तो पूरी सच्ची है प्रमाण प्रमाण चाहिए सच्चे दिल का लक्षण दिखाओ सच्चे दिल का क्या है सच्चे दिल का लक्षण तू तेरे संसार में व्यस्त है और तू कहता है दिल सच्ची है तू तेरे नौकरी धंधे में घर परिवार में घर गृहस्थ में एजुकेशन प्रोफेशन करियर में व्यस्त है और कहता है दिल सच्ची है। भगवान आबू में आया है और तू तेरे संसार में बैठा है और कहता है दिल सच्ची है समझ है। अभी जो बात कर रहे थे ना श्री कृष्ण जी अगर वृंदावन में आए गोकुल में आए क्या होगा कहा है दिल सच्ची बच्चे चलिए बात छोड़ बता तूने अब तक कौन सा ज्ञान धारण किया है तेरी दिल सच्ची है ना परमात्मा को लेकर बच्चे तेरी दिल सच्ची है तेरा स्वार्थ पूरा करने को लेकर ना कि परमात्मा को लेकर तुझे बस तेरा स्वार्थ पूरा करना है इसी बात में तेरी दिल सच्ची है साफ साफ दिखता है समझ की बात है तू इतने वर्षों से ज्ञान में है चल बच्चे तू सिंध हैदराबाद से निकला है ऐसा बच्चा है सपोज कंसिडर करते हैं, उदाहरण तूने सारा पुरुषार्थ किया हर बात मानी और बाप कहता है चल बच्चे तेरा ये सारा पुरुषार्थ ये जो बच्चा बैठा है उससे दान कर संकल्प उठा ये चांडाल बनने वाला था इसके बदले तू बनेगा और तेरे बदले ये विश्व महाराजन बनेगा तैयार है चेक कर तुझे बस तेरा स्वार्थ पूरा करना है परमात्मा को लेकर भगवान को लेकर तेरी कोई दिल सच्ची नहीं है ध्यान से चेक कर तुझे या तो कलयुग का स्वार्थ पूरा करना है तेरा तन मन धन परिवार स्वस्थ रहे या फिर तेरा सतयुग का स्वार्थ पूरा करना है तू तो विश्व महाराजन बन जाए इक्कीस जन्म मिले तुझे इसके अलावा तेरी दिल है क्या बता कहा है तेरी सच्चे दिल सच्चे दिल की बात करता है तुम दिल पता है क्या तुझे सच्चे दिल छोड़ सत्य तो तुझे पता भी नहीं है किसे कहते हैं दिल पता है क्या तुझे दिल को जानता है दिल को समझता है समझ की बात है मुश्किल कोई इस संसार से निकलेगा जिसकी दिल भगवान को लेकर सच्ची हो मुश्किल कोई निकलेगा सभी को बस अपने स्वार्थ की पड़ी है बस स्वार्थ समझ की बात है हर कोई स्वार्थ चाहता है हर प्रकार से दिल में तो बस खोट ही है सच्चाई है कहां कहते ना सत्यम शिवम सुंदरम वो सत्यम है कहा दिल में नहीं है बच्चे सत्यम नहीं है ध्यान से चेक कर इसलिए बाप की नजर किन पर है जिनकी दिल सच्ची है मेरा तो बस एक शिव बाबा दूसरा न कोई उन्हीं को बाप देखता है बाकियों को क्या देखूं? बता ना मुझे तुम तेरे भाई बहन अलौकिक ईश्वरीय परिवार के ब्राह्मण परिवार के वो बैठे हैं और उनके साथ दुनिया वाले भी बैठे हैं जिन्होंने ज्ञान नहीं लिया है मांस मटन खाने वाले बीड़ी सिगारेट पीने वाले दुनियावी रूप से अज्ञानता में चलने वाले बैठे तू बता तेरी नजर किस पर होगी ये अलौकिक की ईश्वरीय परिवार के भाई बहनों पर होगी कि बाकी दुनिया पर होगी तू ही बता तू खड़ा है तू बैठा है स्टेज पर नजर किस पर होगी बता जरा सिंपल बात है जैसा तू वैसा मैं जो सच्ची दिल वाला होगा उसी पर मेरी नजर है सातवें आसमान से नीचे में देख रहा हूं कहते ना ईश्वर सातवें आसमान पे बैठा है वहां से नीचे देख रहा हूं कौन है सच्चा बच्चे सच्चे दिल वाले की याद सातवें आसमान में मुझ तक पहुंच जाती है पहुंच जाती है सातवें आसमान में सच्चे दिल वाले की सभी की याद मुझ तक नहीं पहुंचती देख बच्चे तेरी याद में कोई खोट तो नहीं है तू तो याद क्यों कर रहा है मुझे पहले बता तेरे विकर्म विनाश करने के लिए सतयुग का पद पाने के लिए या यहां का नौकरी धंधा घर परिवार ठीक करने के लिए तो मुझे याद क्यों कर रहा है तेरे याद के पीछे का कारण बता देख वही झूठ है सरासर सर कारण ही झूठ है तुझे लगता है तेरी याद मुझ तक पहुंचेगी पॉसिबल नहीं है इम्पॉसिबल है ध्यान में रखना बच्चे इस बात को सच्चे दिल वाले की ही याद मुझ तक पहुंचती है सभी की नहीं पहुंचती तू तो लाख याद करता होगा पर तेरी याद पहुंचेगी तब ना और अगर तेरी याद मुझ तक पहुंचती तो निश्चित रूप से तू बदल जाता परिवर्तन होता निश्चित रूप से तू श्रीमत पर चलता पर न तेरी याद मुझ तक पहुंचती है न मुझसे तुझ न मुझसे तुझे, तुझे बल मिलता है मुझे से अगर तुझे बल मिले तो निश्चित तू परिवर्तन होता श्रीमत पर चलता बच्चे दिल सच्ची नहीं है ना पूरी पूरी सच्चे दिल नहीं है सच्ची दिल बड़ी पात्रता के बाद बनती है बड़ी पात्रता लगती है बच्चे सच्चे दिल वाले के लिए सच्चे दिल इतना आसान नहीं है सच्चे दिल को बनाना समझ की बात है सारी बच्चे चिंतन कर देख दिल को सच्ची है विचार कर मैं तो कहता हूं सच्ची दिल नहीं है तू बता सच्ची दिल होने के बाद तो भगवान का ना बने ये हो नहीं सकता इंपॉसिबल है बच्चे तो अब तक संसार का है तेरे घर परिवार का है गृहस्थ का है बॉस एम्प्लॉ का है कस्टमर का है किस किस का है तू विचार कर तू सबका है सिर्फ बाप का नहीं बना है कब बनेगा बच्चे देख विचार कर कब बनेगा बाप का सारी समझ की बातें हैं ये तो खेल है बच्चे संगम का अर्थ क्या है आत्मा परमात्मा से मिलन मनाकर उसकी बन जाए तू तो, तो मिलन मना के वापिस चला गया मुझसे शक्ति लेके संसार में संसार को ठीक करने तेरे घर गृहस्थ को घर परिवार को ठीक करने नदी एक बार समंदर को मिली तो क्या वापस मुड़ती है पहाड़ की ओर नहीं बच्चे अब वो मुड़ेगी अगले सीजन में जब पानी बाप बन के बादल बन जाएगा वापस पता नहीं ना वही पानी बरसेगा पहाड़ों पर वही झरना बनेगा वही नदी बनेगा यही तो बात है बच्चे समझ की बातें हैं बच्चे अपने दिल को चेक कर तेरी दिल सच्ची नहीं है मैं तुझे वापस कल परसों का ही सवाल पूछ रहा हूं इस संसार में तुझे किस पर पूरा ट्रस्ट है भगवान छोड़ मैं आत्मा या मनुष्य की बात कर रहा हूं पूरा विश्वास किस पर है बता आत्मा मनुष्य नहीं है तो कोई जानवर पशु पंछी पालतू तूने पाला होगा तो या फिर कोई पदार्थ प्रकृति का तत्व किस पर पूरा निश्चय है बच्चे मैं भी तो जानू कहां पर तू पूरा विश्वास रखता है कहा तेरा पूरा ट्रस्ट है फेथ है चेक कर तुझे कोई नहीं मिलेगा भगवान पर तो है ही नहीं क्योंकि भगवान पर अगर होता तो तू जरूर भगवान की बात मानता तूने कौन सी बात मानी है भगवान की बता जरा कौन सी बात माने है? बता एक भी नहीं तेरे पास बताने के लिए बाहरी मत बता प्याज लहसुन छोड़ा खान पान की धारणा की ब्रह्मचर्य धारण किया सफेद वस्त्र पहना बैज लगाया बाहरी मत बता मैं बाहर का कभी कोई ज्ञान देता नहीं हूं मैं सिर्फ आत्मा का गाय मैं सिर्फ आत्मा का ज्ञान देता हूं मैं सिर्फ आत्मा से बात करता हूं बाहर का ज्ञान मैं देता नहीं अंदर की बात करता है बता जरा कौन सी बात तूने अंदर होनी? भगवान की मानी है आत्मिक स्थिति में आया है आठ घंटा योग करता है ड्रिल सकाश दस बार मुरली क्या करता है तुझे नहीं लगता तेरा क्या होगा यह सवाल नहीं आता तुझे कि ऐसे ही तू पुरुषार्थ में चलता रहा तू बना ही नहीं तो तू किस गति सदगति को पाएगा कौन से पद को पाएगा तुझे कभी प्रश्न नहीं उठता बता जरा तूने शांत स्वरूप अवस्था शायद बाहरी रूप से धारण की होगी आत्मिक स्थिति का क्या बच्चे जब तक आत्मा ही जागृत नहीं है तो क्या गुण धारण करेगा क्या शक्तियां क्या दिव्य गुण क्या संस्कार दिव्य संस्कार धारण करेगा आत्मा ही जागृत नहीं है तूने कौन सी बात मानी है भगवान की बता जरा और तू चाहता है भगवान ये करे भगवान वो करे भगवान ऐसे करे वैसे करे तेरी चाहना बहुत बड़ी है भगवान को लेकर समझ है बच्चे चिंतन कर भगवान क्यों करे क्यों करे तो उसकी बात ही नहीं मानता कैसे होता है बच्चे दुनिया में अनेक गुरु हैं अनेक गुरुओं में से कुछ गुरुओं का एक आध दूसरा शिष्य निकलता है उनके जैसा उनकी शिक्षाओं पर चलने वाला होते अनेक शिष्य हैं उनके हजारों लाखों होते हैं पर एकाध दूसरा निकलता है सब नहीं बन पाते पता नहीं गुरु तो सबको समान सिखाता है फिर अड़चन क्या है स्कूल में भी तो समान शिक्षाएं दी जाती है ऐसा नहीं कि फर्स्ट नंबर वाले को कुछ और पढ़ाया और नापास होने वाले को कुछ और पढ़ाया सभी को शिक्षाएं तो समान दी फिर बनने में नंबर वार क्यों निश्चय नहीं है ना बच्चे यही तो बात है निश्चय कहा है बच्चे निश्चय के लिए सच्चे दिल चाहिए यहां भी सच्चे दिल है भगवान को लेकर परमात्मा को लेकर बता मुझे तू अगर कहता है तेरी दिल सच्ची है परमात्मा भगवान को लेकर तुझे पूरा निश्चय है भगवान पर परमात्मा पर बाप पर इसमें चलते चलते तूने जो मांगा उससे विपरीत भगवान ने दिया निश्चय कायम रहेगा तूने सुख मांगा उसने दुख दिया तूने शांति मांगी उसने अशांति दी तूने प्यार मांगा उसने नफरत दी सच्ची दिल रहेगी पास होगा बता जरा तू क्या चाहता है तेरा भगवान तुझसे प्यार से बात करे लायक है कि वो तुझसे प्यार से बात करे फिर भी करता है ये ज्ञान ये शिक्षाए ही उसका प्यार है पर लायक है क्या तू वो तुझसे शांति से बात करे लायक है तू वो तुझे सुख मिले ऐसी बातें करे लायक है पात्र है देख अपने आप को आशाएं तो बड़ी है तेरी दिल कहाँ है सच्ची दिल कहता है ना कहा है भगवान के प्रति चल बच्चे भगवान की बात छोड़ ब्रह्मा बाप को लेकर सच्चे दिल है पूरा निश्चय है कि ये सृष्टि के आदि पिता है निश्चय है देख चेक कर तू कहेगा जी बाबा पूरा निश्चय है तो उनके जैसा क्यों नहीं बनता तू कहेगा बाबा प्रयास कर रहे हैं उनका पहला कदम क्या था संसार था या संसार से मुक्ति थी तू क्या कर रहा है संसार बनना है तुझे बाप समान ब्रह्मा बाप समान और करनी है नौकरी करना है बिजनेस ऐसी बात है बच्चे ब्रह्मा बाप पहला कदम याद है समझ की बात है दूसरा कदम पूर्णता समर्पित तू हो रहा है तो हुआ है ब्रह्मा बाप समान बनने का अवसर चांस सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ संपूर्ण रीति से संपूर्ण रीति से हाँ ध्यान में रखना संपूर्ण रीति से समर्पित बच्चों को ही मिलेगा बाकी नहीं बन सकते संपूर्ण रीति से समर्पित समझ की बातें हैं बच्चे तेरे दिल किसी भी प्रकार से सच्ची नहीं न तुझे निश्चय है तु श्रीमत पर चलता है ना तेरा समर्पण है, बस ज्ञान योग धारणा सेवा लेके ना है, ये ज्ञान ये योग ये धारणा ये सेवा ये चार नए टॉपिक नए सब्जेक्ट्स हैं, सच्चे दिल निश्चय बुद्धि श्रीमत और समर्पण इनका क्या और ज्ञान की जो तू बात कर रहा है उसकी तो एबीसीडी भी नहीं तुझे पता योग लगाने के लिए तो आत्मिक स्थिति में भी नहीं है आत्मिक स्थिति में ही नहीं है तो योग नहीं हो सकता और योग नहीं तो धारणा नहीं हो सकती और धारणा ही नहीं है तो सेवा कहा की सब बॉडी कॉन्शियसनेस का नाच चल रहा है तेरा सेवाओं का और तू उन्हें नाम देता है सेवा कर रहा है तू टाइटल देता है कि तू विश्व सेवा कर रहा है विश्व सेवा श्रीमत अनुसार होती है समर्पित होने के बाद भगवान का बनने के बाद तू अपने से कर रहा है अपने मनमत पर और उसे टाइटल दे रहा है विश्व सेवा अजीब बात है भाई बच्चे मेरी नजर सिर्फ सच्चे दिल वालों पर है ज्यादा नहीं चाहिए बच्चे मुझे क्या करूं मैं उनका ज्यादा बच्चों का और तो और मैंने कह भी दिया मुझे सिर्फ चालीस बच्चे चाहिए सोलह सतयुग के चौबीस त्रेता के हो गए विश्व महाराजन महारानी बात खत्म बाकी बन जाएंगे ऑटो में मैं कोई प्रजा या साहूकार बनाने नहीं आया हूं मैं विश्व महाराजन विश्व महारानी बनाने आया हूं समझ की बात है सारी बच्चे चिंतन कर तू पात्र है क्या तेरे दिल सच्ची है क्या भगवान को लेकर और अगर है तो अभी भी भगवान का क्यों नहीं बना है चल मत बन मत कर समर्पण घर बैठे श्रीमत तो पालन कर सकता है कितनी पालन की है आत्मिक स्थिति का है आठ घंटे की याद का चार्ट का है कहता है इस समय नहीं मिल रहा है तेरा समय माया खा रही है घर संसार की नौकरी धंधे की माया घर गृहस्थ परिवार की माया समय खा रही है समझ की बात है बच्चे चिंतन कर पूरा चिंतन कर अपने से कहा है सच्चे दिल भगवान को लेकर जब तक तू उसका नहीं बनता सच्चे दिल से तब तक तू उसके ज्ञान को धारण नहीं कर पाएगा नहीं कर पाएगा देखना प्रमाण है इतने वर्ष हुए कितना धारण किया है तेरे सामने है प्रमाण इतने वर्ष हुए तुझे ज्ञान में पांच दस पंद्रह बीस पच्चीस तीस चालीस पचास साल हो गए कितना धारण किया है क्यों क्योंकि तू उसका नहीं बना है जब तू उसका बनेगा तब धारणा कर पाएगा और तू नहीं धारण कर सकता तुझे लगता है ज्ञान का श्रृंगार तू करेगा पर ये तेरा भ्रम है जब तू उसका बनेगा ना वही तुझे श्रृंगारेगा तब तक तू लाख प्रयास कर तुझे कितना भी ठीक लगे ये होना चाहिए ये धारण करना चाहिए फिर भी तू नहीं कर पाएगा सूत्र ही ऐसा है क्योंकि बच्चे अगर तूने तुझे से धारण किया ना तो तू रावण बनने बिगर नहीं रह पाएगा रावण ने सब अपने से तपस्या करके वरदान प्राप्त किए और क्या पाया सर्वनाश यही तो बात है तू भी यही बनेगा अगर अपने से किया तो जब तू भगवान का बनेगा और जब वो तुझे श्रृंगारेगा तो तेरा श्रृंगार विश्व सेवा कराएगा जो उसने श्रृंगार किया है पर तूने अगर अपने से श्रृंगारा अपने आप को तो स्व सेवा भी नहीं होगी विश्व सेवा तो छोड़ ही दीजे बच्चे दिल को देख मेरी नजर उन्हीं पर है जो सच्चे दिल वाले हैं बाकी पर नहीं है न कभी मैं देखता हूं उन्हें क्यों देखूं? तू देखेगा बता जरा मेरी जगह अगर तू है तो तू देखेगा क्या मैं भी सिर्फ सच्चे दिल वालों को देखता हूं उन्हीं पर मेरी नजर है मेरा एक बार कहना और तुरंत करना बाप का कहना और बच्चों का करना तुरंत उन्हीं बच्चों को मैं देखता हूं उन्हीं बच्चों को समझ के बात है बच्चे चिंतन कर तूने कभी सोचा नहीं मैं जब डायमंड हॉल में बैठता हूं एक कोने में मेरी नजर घूमती है कभी आ कभी वाह कभी यहाँ, ऐसे सीक्वेंस में नहीं जाती ऐसे ऐसे एक कोने में इधर देखा फिर थोड़ा उधर थोड़ा उधर थोड़ा इधर थोड़ा उधर थोड़ा उधर ऐसे ऐसे एंड में ऐसी मेरी नजर घूमती है तूने कभी देखा नहीं मैं किसे देख रहा हूं वो पच्चीस हजार की सभा में कोई कोई मुश्किल सच्ची दिल वाला बैठा है उसे ही मैं देख रहा हूं मैं तुझे नहीं देख रहा हूं तू अगर था तो मैंने तुझे देखा है वरना मैंने तुझे नहीं देखा है तूने मुझे देखा है पर मैंने तुझे नहीं देखा है याद प्यार भी मैं किन्हें देता हूं याद है ना याद प्यार चारों ओर के ब्राह्मण कुलभूषण मास्टर सर्वशक्तिवान सच्ची दिल वाले निश्चय बुद्धि मास्टर ज्ञान सूर्य ब्रह्मा बाप समान उन्हीं को याद प्यार देता हूं मना मैंने दृष्टि भी उन्हीं को दी तू इसमें कहा पात्र है जरा बता तेरी पात्रता दिखा मुझे मैं सभी को नहीं देखता हूं ध्यान में रख समझ की बात है ये सारी बच्चे शास्त्रों में गायन है जब तक पार्वती पात्र नहीं बनी थी तब तक पार्वती को भी नहीं देखा तू किस खेत की मूली है भाई पहले पात्र बन पार्वती मना आत्मा की बात है जो पात्र होता है उसी को मैं देखता हूं उसी को दृष्टि देता हूं सभी को नहीं देता हूं तू देख अपने आप को तू भगवान के दृष्टि के लिए पात्र है क्या अपने आप को चेक कर अपने आप को चेक कर पात्र है क्या भगवान ने कभी तुझे देखा है क्या समझ की बात है जब मैं कैमरे में देखता हूं डायमंड हॉल में भी यहां भी जब मैं कैमरे में देखता हूं तो स्क्रीन में देखता है टीवी में देखता है तू तो ध्यान से देख उन आंखों में तेरी छवि है तू दिख रहा है भगवान की आंखों में तो अपने आप को ध्यान से देख भल कैमरे से मैंने तुझे दृष्टि दी ये तुझे लग रहा है पर उन आंखों को ध्यान से देख ध्यान से जूम करके देख इन आंखों में तू दिख रहा है क्या मैंने भगवान की तुझ पर नजर है क्या ध्यान से चेक कर समझ की बात है बच्चे भावना में मता कि बाबा ने मुझे देखा बाबा ने मेरे ऊपर दृष्टि दी भावना में मता ध्यान से उन आंखों को देख भगवान की आंखों में तेरी छवि है क्या समझ है बच्चे सारी समझ की बातें मैं सिर्फ सच्ची दिल वाले निश्चय बुद्धि श्रीमत पर चलने वाले और मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई ऐसे समर्पित बच्चों को ही देखता हूं सभी को नहीं देखता ध्यान में रखना बच्चे इस बात को मेरी अपनी बात है क्यों देखू सभी को बताना दिल को चेक कर बच्चे सच्चाई सफाई है दिल में भगवान को लेकर भावना मत दिखा भावना देखनी है चल मंदिर में दिखाता हूं तुझे तेरी भावना पॉइंट वन भी नहीं उनके आगे उनकी भावना देख काशी कलवट खाते हैं। आग में चलते तलवारें भोग देते हैं गालों से तू तो क्या भावना दिखाएगा मुझे और भावना की बात कर रहा है ये करने की बात नहीं ना बाबा ने कहा है किसी को करो उदाहरण की बात है जैसे कितने भावना वाले हैं, कितने भावना वाले देवताओं को लेकर तुझे तो भगवान मिला है तुझे कुछ भी पता नहीं है कुछ भी नहीं पता तो जानता भी नहीं है समझ की बात है बता मुझे भक्ति मार्ग में किन्हीं के सामने उनके इष्ट प्रकट हो जाए और कहे बैठ जाओ आज से इस मंदिर में बैठेंगे या घर जाएंगे तू ही सोच अरे तुझे कभी लगा नहीं परमपिता परमात्मा शिव बाप धरती पर आया है पूरे कल्प में एक बार पांच हजार साल में एक बार अपने जीवन उसके कार्य में समर्पित करे कभी लगा नहीं तुझे समझ है अभी मुझे बता देवता ने उस बच्चे को कहा कि मंदिर में बैठ चौबीस घंटा यहां खाना यहाँ सोना यहीं रहना है इसी मंदिर में हो रहा और तुझे तेरा भगवान कह रहा है तो अभी बता तू नहीं रहा तो मैं पद उसे बढ़ा दू या तुझे बढ़ा दू किसे बड़ा पद दू तू ही बता चल मेरी बात नहीं मानी लेकिन उन्होंने इष्ट की तो मानी सब देने वाला तो मैं ही हूं ना यह सब लीलाएं करने वाला तो मैं ही हूं परमात्मा के रूप में वो देवता को पूछ रहे उनकी बात मान रहे तो तू बता ना तूने मेरी कोई बात नहीं मानी और उसने हर बात मानी सतयुग में किसे लाऊं, उन्हें या तुझे मैं किसका बन जाऊं, तेरा या उनका तू ही बता समझ की बात है इसलिए ये जो ज्ञानी है ना सबसे बड़े दुर्भाग्य है क्योंकि इतने वर्ष ज्ञान में होकर भगवान के नहीं बन पाए इन्हें वो सद्बुद्धि ही नहीं मिली कि भगवान के बने यह जीवन भगवान को समर्पित करे उसकी जीवन उसको समर्पित यह कभी सद्बुद्धि ही नहीं मिले इन्हें न कभी बन पाए यही तो बात है बच्चे भाग्य लगता है भगवान का बनने के लिए ज्ञानी बहुत है पर कोई ज्ञान नहीं है जिसके पास सृष्टि का सारा ज्ञान है आत्मा परमात्मा ड्रामा सब ज्ञान है सब कुछ रचना तक का मास्टर रचेता बनके पर वो भगवान का नहीं बना दूसरा किसी के पास कोई ज्ञान नहीं न उसे आत्मा पता है, न ढंग से परमात्मा पता है, न ड्रामा पता है न सृष्टि चक्र पता है, कुछ भी पता नहीं पर उसने यही कहा मैं जो हूँ जैसा हूँ भगवान का हूँ और भगवान का बन गया बता बड़ा कौन श्रेष्ठ कौन महान कौन ये ज्ञानी योगी या ये अज्ञानी योगी तू तो कौन है कर बच्चे यही तो बात है जब तक तू भगवान का नहीं बनता व्यर्थ है सब तेरे दिल सच्ची नहीं है ना इसलिए तू बन नहीं पाता यही तेरी समस्या है बच्चे तू चाहना भी नहीं रखता न बन पाता है सारी समझ की बातें है बच्चे कब बनोगे भगवान के बताए तुझे सारे कहते प्रेडिक्शन वाले कि दो साल ही बचे हैं ये पूरी सृष्टि विनाश होने के लिए दो साल कुछ प्लानिंग किया है दो साल का कितने और फ्लैट्स लेने कितने बंगले बनवाने कितनी गाड़ियाँ लेनी है कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है प्लानिंग किया है कहाँ जमीन खरीदनी है प्लॉट खरीदने कहाँ जेवर खरीदने कुछ प्लानिंग किया है दो साल ही बच्चे बच्चे देखना कैसे सब अचानक होता है दुनिया रात को सोएगी और जब जगेगी ना तमाशा शुरू हो चुका होगा बस खेल देखना अचानक पहली रात को सब ठीक ठाक था खुश मौज में सोए आनंद में सोए और सुबह उठकर देखते हैं तो तमाशा शुरू हुआ कुछ नहीं कर पाएगा तो एक रात में बदल जाएगा सब एक रात कौन सी होगी ड्रामा जाने मुझे पता हो तो भी नहीं मैं बता सकता नहीं बताऊंगा अलाउड नहीं है। एक रात में नक्शा बदल जाएगा सारा देखना बस तुम वो ऐसी काल रात है ना महाकाल रात बस देखना क्या होता है एक रात में दो साल आखिरी दो साल इस कल्प के इस संगम के आखिरी दो साल उसके बाद नया ड्रामा तू परमधाम, देखना क्या क्या होता है मेरा प्रेडिक्शन नहीं है ये वरना तू कहेगा बाबा आपने तो कहा था दो साल जहां जहां किया है ढूंढ कहां प्रेडिक्शन है ढूंढ तू समझ की बात है बच्चे मौज कर सुखी रहे खुश रहे यही हर बाप की दुआ होती है अपने बच्चे के लिए बाकी बच्चा कैसा भी हो हर बाप को लगता है बच्चा सुखी रहे आनंद में रहे मौज में रहे बाकी तेरी मर्जी बच्चे तेरी मर्जी तुझे जो ठीक लगे अपने दिल को चेक कर दिल को चेक कर बहुत कुछ आ रहा है जाग सकता है तो जाग और तैयार रहना, सारी बातों के लिए बहुत कुछ आ रहा है तूने कल्पना भी नहीं की होगी तू जिसे अपना घर समझता है ना देख क्या होता है मजे ले और क्या कहो बच्चे आनंद ले जितना कर सकता है पुरुषार्थ कर उच्च पद को उपलब्ध हो जा, पद प्राप्त कर, ध्यान में रख दिल अगर रख सकता है तो सच्ची रख बाकी बच्चे ड्रामा क्योंकि मेरी नजर उन्हीं बच्चों पर है जिनकी दिल सच्ची है जो निश्चय बुद्धि है पूरे पूरे उन्हीं पर नजर है मेरी बाकियों पर नहीं है बाकियों को नहीं देखता मैं तू तू चेक कर भगवान की नजर तुझ पर है क्या तू अपने आप को चेक कर तुझे पता चले अगर पात्र ही नहीं बना है और पूरे संगम ने भगवान ने तुझे देखा ही नहीं तो संगम व्यर्थ गया बच्चे और क्या कहेंगे संगम गया व्यर्थ क्योंकि भगवान की कोई दृष्टि आई नहीं तुझ पर सब व्यर्थ गया ड्रा मा और क्या कहे बच्चे ड्रामा, खुश रह सुखी रहे आनंद मौज में रहे यही एक बाप की दुआ है आशीर्वाद है। आज बहुत उमंग उत्साह और खुशी है ना तो तालियों से दिखा रहे हैं लेकिन बाप दादा आपके दिल की खुशी को जानते हैं बच्चे खुशी है खुशी होती है बाप से मिलने में खुश हुआ है तू तु? कि तूने भगवान को पाया है कहा है तेरी खुशी मुझे जरा एक चेहरा दिखाओ जो सदा खुशनुमा है एक चेहरा सारी दुनिया में से जो सदा खुशनुमा है है कोई तू है समझ है बच्चे चल बच्चे सदा छोड़ सोलह घंटे खुश रहता है आठ घंटे चार घंटे दो घंटे सारे दिन भर में एक घंटा है कोई चार्ट तेरी खुशी का बता जरा अत सुख आत्मिक खुशी परमात्मा को पाने की खुशी ऊंच ज्ञान ईश्वरीय परिवार पाने की खुशी है खुश रहता है तू सारे दिन भर में या सिर्फ उदासी छाई हुई है चेहरे पर तेरा चेहरा ऐसा है कि तुझे रो नर्क में भी जगह नहीं देंगे कोई ऐसा चेहरा है तेरा और सतयुग में स्वर्ग में जाना चाहता है जो 24 घंटा खुश रह सकते हैं 24 घंटा बिना कारण के बिना वजह वही सतयुग के अधिकारी है 24 घंटा ध्यान में रखना 24 से कम बीस घंटा खुशी सतयुग का मध्य सोलह घंटा सतयुग का अंत बारह घंटा त्रेता आठ घंटा त्रेता का मध्य चार घंटा त्रेता का अंत अब तू अपना हिसाब लगा तू कहा जाएगा चार घंटे का खुशी का संस्कार है बिना कारण बिना वजह का तो तू त्रेता के अंत में आएगा तुझे क्या चाहिए सतयुग की आदि कंडीशन क्या है चौबीस घंटे खुशी में रहने का संस्कार कहा है सपने देखना बंद कर पहले अभ्यास कर विश्व महाराजन बनना है साहूकार बनना है बड़ा अधिकारी बनना है लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट सेकेंड बनना है चौबीस घंटे की खुशी कहा है बच्चे बता जरा तुझे पता है लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट सेकेंड गद्दी साढ़े तेईस घंटा खुश रहते हैं इसलिए सेकेंड गद्दी में आए आधा घंटा कम हुआ इसलिए सेकंड गद्दी हिसाब पूरा है बच्चे बाप का आधा अधूरा हिसाब नहीं रखता बाप तू तो अपने आप को चेक कर 24 घंटा खुश रहता है बता जरा पूरा 24 घंटा फिर सपने देख पहले पढ़ाई कर चार घंटे से शुरुआत है चार घंटे से चार घंटा अगर तू खुश है तो त्रेता के अंत तक पहुंचा है कारण नहीं चाहिए खुशी के लिए कारण एक ही है परमात्मा मिला बाबा मिला भगवान ईश्वर अल्लाह गॉड मिला इतना ऊंचा ज्ञान मिला ईश्वरीय परिवार मिला दुनिया भी कोई कारण नहीं है अलौकिक पारलौकिक ही कारण बता जरा है क्या चार घंटे की खुशी नहीं है ना सपने मत देख लोग कहेंगे ये पागल हो गया है कहता है स्वर्ग में जाऊंगा सतयुग में जाऊंगा विश्व महाराजन विश्व महारानी बना विश्व महाराजन विश्व महारानी बनूंगा पागल हो गया ये खुशी का तो ठिकाना नहीं है और इसे सतयुग में एंट्री देंगे समझ की बात है समझदार बन बच्चे सतयुग का वीजा पाने के लिए ये पात्रता चाहिए 24 घंटे की खुशी चौबीस घंटे की तब मिलेगा वरना नहीं मिलेगा तू उदास तेरा उदासी का संस्कार नाराजगी का डिस्टर्बेंस का संस्कार तुझे कितना भी दिया कितना भी समझाया फिर भी मुंह सड़ा हुआ गोबर के जैसा गोबर फिर भी अच्छा है काम में आता है लेपने के हवन के किसी न किसी काम में आता है तू तो किसी भी काम का नहीं ऐसा सड़ा हुआ चेहरा लेकर सतयुग में जाएगा मेरे बच्चों को उदास करने डिस्टर्ब करने आसुरी संस्कार लेकर तू वहां जाना चाहता है उदासी का नाराजगी का और तुझे मैं जाने दूंगा महाकाल हूं मैं ध्यान में रख चौबीस घंटे की मना चौबीस घंटे की खुशी चाहिए बात खत्म तो ही एंट्री मिलेगी वरना नो एंट्री कितने वर्षों से ज्ञान में हो मत बताओ कितनी सेवा की मत बताओ क्या क्या धारणाएं की मत बताओ मैं सुनना ही नहीं चाहता तेरे ज्ञान ने तुझे खुशी नहीं दी काहे का तेरा ज्ञान बकवास ज्ञान हुआ तेरा तेरा ज्ञान तुझे खुश नहीं रख सकता ये तेरा ज्ञान है कहां से सीखा तूने ये ज्ञान है चेहरे पर खुशी बकवास ज्ञान है तेरा तेरी खुशी कहां गई अगर श्रेष्ठ ज्ञान है ना तो खुशी दिखा कहता है योग मेरा योग योग से खुशी है न ज्ञान लेते वक्त खुश रहता है न ज्ञान लेने के बाद खुश रहता है योग करने के वक्त खुश रहता है नोग करने के बाद खुश रहता है कहता है मेरा योग खुशी दिखा उस योग से दिखा जरा फिर तेरे ज्ञान योग से बेहतर वो ला लाफिंग गैस है कहते हैं ना वो लाफिंग गैस होता है कोई सब हंसने लगते हैं, है नहीं हम नहीं जानते समझ की बात है तेरा ज्ञान योग तुझे खुशी नहीं दे सकता तू क्या पढ़ रहा है क्या सीख रहा है क्या कर रहा है इतने वर्षों से तेरा चेहरा देखने जैसा है तेरी धारणा है तेरी धारणाओं से तू परेशान है ऐसी धारणा ऐसी कोई धारणा होती है क्या कि तेरी धारणाओं से तू परेशान हो जाए इतना ऊंचा ज्ञान है तूने नाम बदनाम कर दिया सारी दुनिया पूछ रही है इतना श्रेष्ठ ज्ञान होने के बावजूद इनके चेहरे पर खुशी क्यों नहीं है सभी तो कहते हैं हमें भगवान मिला भगवान हमें ज्ञान दे रहा है तो इनके चेहरे पर खुशी क्यों नहीं वो देखो वृंदावन में मूर्तियां लेकर नाचते खुशी देखो चेहरे पर और तेरा चेहरा कैसा है तेरा चेहरा है खुशी देख भक्ति मार्ग वालों को देख जरा गोविंद गोविंद राधे राधे करके नाचते खुशी देख उनकी बाबा कहने के बाद मुख मीठा होता है तेरा बिल्कुल नहीं बस तू कहता है बाबा पता नहीं किसे कहता है शिव बाबा मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा ये बोलने में भी तेरा मुख मीठा नहीं होता कहता है मैंने इतनी सेवा की तेरे सेवा ने तुझे क्या दिया दुख के अलावा सेवा करने से पहले परेशान सेवा करने में परेशान सेवा करने के बाद परेशान और क्या पाया तूने खुशी कहा है खुशी कहा है तेरी अता पता नहीं है। अता पता नहीं खुशी का समझ की बात है बच्चे देख ड्रामा कह रहा है समय ऐसा आ रहा है उदास चेहरे ज्ञान छोड़ने वाले हैं संभल कर रहना नाराज डिस्टर्ब चेहरे ज्ञान छोड़ने वाले हैं ऊपर नीचे होने वाले चेहरे ज्ञान छोड़ने वाले हैं सेग्रीगेशन होने जा रहा है तैयार रहना तू ही डिसाइड कर तू रहेगा या जाएगा तू ही डिसाइड कर ये होना है ये मुझ ड्रामा के महावाक्य है समय आ रहा है उदास यहां नहीं ठहरेगा अपने आप ड्रामा घूमेगा ड्रामा बोल रहा हूं अपने आप उसका चक्र घूमेगा और वो काल चक्र में गुम हो जाएगा देखना ड्रामा उदास रहना है ना लेट्स सी द ड्रामा लेट्स सी देखते हैं ना ड्रामा समय आ रहा है अभी तेरे हाथ में रहना है या जाना है समझ की बात है खुशी है क्या बच्चे कहा है खुशी तुझसे खुश वो दुनिया वाले है। कहता है भगवान मिला है जिसे भगवान मिला है ना उसे बिठाओ कहा जाओ कोई दारू पी रहा है वाह देख दारू पीने वाले की खुशी और देख जिसको भगवान मिला है उसकी खुशी भलो दारू पीकर खुश है और तू भगवान को पाकर भी खुश नहीं है श्रेष्ठ कौन है वह अज्ञानी है कुछ भी खा रहा है कुछ भी पी रहा है पर तुझसे बड़ा है क्योंकि तू ज्ञानी होकर उदास है डिस्टर्ब है परेशान है और वो अज्ञानी होकर समझ हैं आज बाबा जितने चेहरे देखता है देखता है मोबाइल में टीवी में बच्चों के सब स्ट्रेस से भरे हुए है। हर चेहरा मशीन मिलती है फेस रीडिंग की इनका चेहरा डालो सॉफ्टवेयर आता है ऐप आते हैं चेहरा डालो उनका फोटो डालो उसमें ऐप में पता चलेगा तुरंत फेशियल एक्सप्रेशन से रिजल्ट तुरंत सामने आएगा ये स्ट्रेस में है या हैपी है या न्यूट्रल है तुरंत सत्य सामने कहा है खुशी बता जरा समझ के बात है सतयुग में जाना है ना सतयुग की धारणा है वह सब स्नेह स्वरूप रहते तू कितनों से रहता है तेरे ज्ञान ने तुझे यही सिखाया क्या कि दूसरों से नफरत करो कहा है तेरा स्नेह दिखा जरा कहा है तेरा प्यार दूसरों के प्रति आत्मा आत्मा भाई भाई कहता है है कहा ये धारणा मैं भी तो देखू मुझे भी दिखाओ आत्मा आत्मा भाई भाई कहता है ना कहा पर है समझ की बातें है बच्चे सतयुग ऐसे ही नहीं मिलेगा और सपने मत देख चांद को पाने के ऐसे नहीं मिलेगा पात्रता दिखा और सतयुग ले हंड्रेड परसेंट प्रेम स्वरूप चौबीस के चौबीस घंटा मना सतयुग वापिस वही चार्ट है चार घंटे से लेकर चौबीस घंटे तक तू रहता है प्रेम स्वरूप बता जरा है प्रेम स्वरूप कहा है समझ की बात है माया ने तेरे दिल में नफरत के अलावा घृणा के अलावा कुछ नहीं भरा सब से नफरत है मायावश है तू पूरा बच्चे पूरा। संभल जा समय बदल रहा है तुझे भी बदल देगा वो पात्र होगा तो तू इस सृष्टि में बदलेगा और अपात्र होगा तो परमधाम लेके जाएगा ड्रामा संभल कर रहना और तैयार रहना बच्चे समझ है। इस विनाश काल में बचना है ना बचने का उपाय बताओ अभी जो आ रहा है महाविनाश काल उसमें बचने का एक ही उपाय हंड्रेड परसेंट प्रेम स्वरूप और हंड्रेड परसेंट खुशी वाले ही बचेंगे हंड्रेड परसेंट खुशी चौबीस घंटे वही श्री कृष्ण जन्म देखेंगे उदास व्यक्ति को मैं श्री कृष्ण दिखाऊ क्या मेरे नंबर वन बच्चे को दिखाऊ उदास बच्चे को उदास आत्मा को ठहरे ठहरेगी भी नहीं यहां पर आ रहा है समय वही बचेंगे बाकी सब जाएंगे जिन्हें खुशी पता नहीं है ना जिन्हें स्नेह पता नहीं है ना वो सब जाएंगे नहीं बचेंगे यहां पर सब के सब इसलिए बहुत थोड़े रहते हैं सतयुग में मुख्य क्या है खुशी है ना और स्नेह है ना सुख तो वह अपने आप है पर मुख्य गुण क्या है स्नेह दूसरा खुशी इसलिए सतयुग के बीज बचेंगे ना सतयुग को क्रिएट करने वाले लाने वाले निर्माण करने वाले तो जिनके अंदर ये दो गुण हंड्रेड परसेंट है वही बचेंगे बाकी सब की यात्रा परमधाम तैयार रहना मैंने तो बता दिया अभी तुम्हारी मर्जी तुम्हें जो ठीक लगे करो ज्ञानी नहीं बचेंगे योगी नहीं बचेंगे धारणा वाले नहीं बचेंगे ये तो चाहिए बेसिक पात्रता न सेवाधारी बचेंगे बचेंगे 100% परसेंट खुशी वाले 100% परसेंट प्रेम स्वरूप जिनकी मुस्कान 24 घंटे रहती है जो 24 घंटे मुस्कुराते रहते हैं रूहानी मुस्कान वही बचेंगे बाकी सब जाएंगे चौबीस घंटे में से एक सेकेंड भी जिसकी मुस्कान कम होती है वो भी चला जाएगा वो भी नहीं बचेगा चौबीस घंटे में से एक सेकेंड के लिए भी जो प्रेम स्वरूप नहीं रहता एक सेकेंड कम वो भी चला जाएगा नहीं बचेगा नहीं बचेगा बच्चे तयुग का फाउंडेशन खुशी है स्नेह है समझ के बात है बच्चे अपने आप को चेक कर पूरा पूरा चेक कर इसलिए सतयुग लाने वाले जो बच्चे होंगे उनकी ये धारणा पूरी पूरी पक्की धारणा होगी जो मास्टर रचिता बच्चे होंगे जो सतयुग लाएंगे बाप की श्रीमत अनुसार तो अपने आप को चेक कर 100 परसेंट खुश रहता है क्या बाप कारण नहीं जानना चाहता कारण नहीं चाहिए मुझे कारण ना दे मुझे मुझे बस ये धारणा बता पात्र है तो ले अपात्र तो भूल जा परमधाम चला जा समझ की बात है समझदार समझ जाते हैं बाकी ड्रामा बच्चे हैं। और क्या कहूं मेरे पास कोई उत्तर नहीं है ड्रामा ही कहता हूं ड्रामा कह के बिंदी लगा देता हूं और तो कोई उपाय नहीं है तो देख अपने आप को समझ है बता तू मुझे 100 परसेंट ज्ञानी योगी धारणा सेवा वाला एक तरफ पर खुशी का पता नहीं और हंड्रेड परसेंट खुश रहने वाला दूसरी तरफ जिसको कोई ज्ञान योग धारणा सेवा पता नहीं तू तो किसे चुनेगा तेरा साथी होगी तू बता समझ है तू अगर खुशी वाले को चुनेगा ना तो भगवान भी उसी को चुनेगा बात खत्म जो तेरा चुनाव वही भगवान का चुनाव तो जैसे ही मैं चलता हूं जैसा तू वैसा मैं कोई नई बात नहीं है खुशी है तेरे चेहरे पर सदा मुस्कुराता चेहरा रहता है सदा मुझे कारण नहीं चाहिए कारण नहीं चाहिए और ये नहीं कि बाप के साथ साकार में रहते हैं तो वो रहेंगे ड्रामा हूं सीधे कहता हूं खुश रहो वरना ड्रामा हो जाएगा फिर नहीं कहना के अरे हम तो बाप के साथ रहते थे साकार में आवाज की तो आवाज बंद कर दूंगा आत्मा की धारणा दी है ना करके दिखाओ ड्रामा और कुछ नहीं है कर सकते हो तो दिखाओ नहीं कर सकते हो तो भूल जाओ समझ के बात है बाप तो प्यार से कहता है कि बनो 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 बन रहे हो नहीं ना अभी मैं मेरा कायदा लगा रहा हूं मैं ड्रामा कायदा लगा रहा हूं और सत्यता बता रहा हूं नहीं बनना है मत बनो मेरा कायदा तो क्लियर है जो बनेगा वो रहेगा जो नहीं बनेगा चलो परमधाम रिजर्वेशन हो जाएगा टिकट कट जाएगी बनेंगे वो रहेंगे तू देख अपने आप को बनेगा क्या पात्र है क्या चेक कर पूरी पूरी खुशी और पूरा पूरा प्रेम स्वरूप कारण नहीं जानना चाहता बाप और जानते हो साकार में बाप के साथ रहने वाले कितने गए हैं तो तुम किस खेत की, की मूली हो ड्रामा बोल रहा हूं ध्यान में रखना एक समय था जब मैंने सबको बदला सिर्फ बाप रहा एक समय था पूरी संस्था को बदला तो तुम किस खेत की, की मूली हो बाप को समझ के क्या रखा है भल बाप होगा शांत पर मैं ड्रामा मुझे कार्य करना है इसलिए बाप जो सीधे सीधे कहता है वो करो श्रीमत पर चलो आगे बढ़ो वरना ध्यान में रखना तुम और बाप इसके बीच में मैं ड्रामा खड़ा हूं संभल कर रहना संभल कर रहना बाप भी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि बाप भी ड्रामा में बंधा हुआ है ध्यान में रखना बाप सर्वशक्तिवान है ना तो मैं ड्रामा भी सर्वशक्तिवान हूं संभल कर रहना वार्निंग देता हूं सीधे सीधे ग्रांटेड नहीं लेना याद है ना एक पूरी संस्था बदली सबको आउट कार्य चल रहा है बाप बाप है ड्रामा ड्रामा है दोनों साथ है संभल कर रहना बन सकते हो तो बनो बाप के पूर्णता दोबारा चांस नहीं दूंगा ये मुझ ड्रामा के वचन है संभल कर रहना हंड्रेड परसेंट खुशी हंड्रेड परसेंट स्नेह स्वरूप ध्यान में रखना बच्चे इस बात को समय बहुत थोड़ा है बहुत थोड़ा खबरदार रहना फिर नहीं कहना बाबा ऐसे कैसे हुआ यही तो बात है ड्रामा है तैयार रहना बच्चे हंड्रेड परसेंट खुशी और स्नेह बाप दादा देख रहे हैं कि हर एक बच्चे को सहयोग का सबूत देने में बहुत खुशी होती है इसलिए हजारों भुजाएं दिखाई है तो भुजाएं सहयोग की निशानी है बाप दादा जानते हैं एक एक बच्चे ने चारों ओर चाहे देश में चाहे विदेश में सभी ने चाहे धन से चाहे मन से चाहे तन से सहयोग अवश्य दिया है और आज आप सबके सहयोग का सबूत आप आराम से बैठ देख भी रहे हो सुन भी रहे हो अभी ज़्यादा ताली नहीं बजाओ आपके खुशी की मन की तालियां बाप दादा के पास पहुंच गई है बच्चे खुशी मन की ताली बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान में रखना बच्चे ये तालियां बजाकर तुम बाप को क्या खुश करोगे तुम्हें लगता है बाप खुश होगा कभी नहीं बजानी है तो मन की ताली बजाओ मन की खुशी दिखाओ देखे तो सही तुम्हारा मन कितना खुश है पूरा पूरा समझ की बात है तुम आत्मा कितनी खुश हो देखे तो सही कहा है तुम्हारी खुशी बच्चे कहा है तुम भटके हुए हो पूरे पूरे तुम खुश नहीं रह पा रहे हो कैसा ज्ञान कैसा योग कैसी धारणा कैसी सेवा है तुम्हारी पता नहीं कहा है खुशी एक ही सवाल है मेरा खुशी कहा है तुम्हारी उदासी क्यों छाई हुई है खुशी क्यों नहीं है समझ की बात है बच्चे चिंतन करो खुशी दिखाओ कहा है खुशी ढूंढो खो गई है माया ने चुराई है ड्रामा देखो आज दो विशेषताएं हैं एक इस शांतिवन को जो सभी ने उमंग उत्साह से बनाया है उसका बाप दादा के साथ साथ आप बच्चे भी उद्घाटन कर रहे हैं और आज ड्रामा अनुसार नया वर्ष भी शुरू होने वाला ही है इसलिए बाप दादा सभी बच्चों को अपनी दोनों बाहों में समाते हुए दोनों बातों की मुबारक दे रहे हैं और जैसे अभी इस समय साकार रूप में बाप के साथ उमंग उत्साह और खुशी में झूम रहे हो ऐसे ही नए वर्ष में सदा सदा अव्यक्त रूप में साथी समझना अनुभव करना यह साथ का अनुभव बहुत प्यारा है बाप दादा को भी बच्चों के बिना अच्छा नहीं लगता है कौन से बच्चे सच्ची दिल वाले तू ये नहीं समझ तेरे बिना बाप दादा को अच्छा नहीं लगता तू मानता है बाप दादा की कोई बात आया है आत्मिक स्थिति में लाइन आए तो बताने के लिए तैयार है कि बाप दादा को भी बच्चों के बिना अच्छा नहीं लगता कौन से ये तो समझ आत्मिक स्थिति वाले सदा खुश रहने वाले सदा प्रेम स्वरूप सदा नम्रचित सदा सुख स्वरूप सभी को सुख देने वाले ऐसे बच्चे उनके बिना मुझे अच्छा नहीं लगता सदा श्रीमत 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 ऐसे बच्चे तू है समझ के बाद तुझे लगता होगा कि तेरे बिना भगवान को अच्छा नहीं लगता तेरा वहम है तेरा भ्रम है तू इतना पात्र है कि तेरे बिना भगवान को अच्छा ना लगे समझ है बच्चे पात्र तो बन पहले भगवान का तो बन और पात्र बन फिर शायद तू तो पात्र बनने के बाद भगवान ने कहा तो कहा कि आप बच्चों के बिना बाप को अच्छा नहीं लगता समझ की बात है समझदार बनो बच्चे समझदार पूरे पूरे हो पात्र है पात्रता तुझे भगवान कितना अच्छा लगता है जरा बता जो भगवान को तेरे बिना अच्छा ना लगे तुझे भगवान के बिना अच्छा लगता है ना तो भगवान को भी तेरे बिना अच्छा लगता है ध्यान में रख बस उल्टा कर दिया सेंटेंस भगवान की याद नहीं आती ना तेरे लिए ही बताया है कि आठ घंटा आत्मा समझकर देह और देह के सारे संबंधों को भूलकर अपने घर परमधाम में मुझे याद करो निराकार को तेरे लिए ही बताया है फिर भी तू याद नहीं करता और तुझे लगता है भगवान तुझसे प्यार करे पॉसिबल है क्यों करे नहीं करता बच्चे भगवान तुझसे प्यार तू तु अगर पात्र होगा तो भगवान का तुझसे प्यार है पूछने की बात ही नहीं आती पूछने की बात ही नहीं आती कोई बच्चे होते मूड मती, मूर्ख पूछेंगे पूछेंगे वो समझ की बात है, पूछने की बात ही नहीं आती तो पात्र बन श्रीमत पर चल सभी चाहते निराकार हमें प्यार करे कैसे करेगा करता है निराकार का प्यार सभी आत्माओं से है जिसे तुम कहते हो बाबा हमसे प्यार करता है लेकिन कब जब तुम आत्मिक स्थिति में हो तब ही निराकार तुमसे प्यार करता है ध्यान में रख जब तू आत्मिक स्थिति में नहीं है निराकार तुझसे कोई प्यार नहीं करता क्योंकि वो किसी देहधारी से प्यार नहीं करता निराकार निराकार का प्यार सभी आत्माओं से है निराकार का आकार का प्यार जो उसकी डायरेक्शन पर चलता है जो निराकार को याद करता है जो साकार की श्रीमत को पालन करता है तीन बातें जो आकार की डायरेक्शन पर चलता है जो निराकार को आठ घंटा याद करता है बल्कि सदा याद करता है और साकार की हर श्रीमत को पालन करता है उससे आकार प्यार करता है ध्यान में रखना और साकार किसी से प्यार करे ऐसा सृष्टि में एक भी नहीं है बात खत्म एक भी पात्र नहीं है इस सृष्टि में इस सृष्टि में ऊपर ब्रह्मा बैठा है मेरा बच्चा तुझे पता भी नहीं है बाप उस बच्चे से कितना प्यार करता है तू पात्र है है पात्र चेक कर कहता है बाप दादा हमसे प्यार करते हैं समझ की बात है तुझे कुछ भी पता नहीं है कुछ भी नहीं है देख इन तीन में से कौन तुझसे प्यार करता है कौन करता है साकार तो किसी से करता नहीं बात खत्म पूछना भी नहीं कोई श्रीमत है गलती से भी नहीं पूछना पात्र बनना बाप का प्यार लेना और साकार के प्यार की कंडीशन है साकार बाप से प्यार चाहिए ना कंडीशन है मिनिमम आठ घंटा निराकार की याद आत्मा समझकर मिनिमम आकार की हर डायरेक्शन को फॉलो करना आकार ने जो कहा वो सब करना मुरली में जो जो श्रीमत आई उस हर श्रीमत का पालन करना यह है साकार के प्यार की कंडीशन पूछना भी नहीं साकार में बाप को ध्यान में रखना पूछोगे ना महंगा जाएगा पहले ही वार्निंग देता हूं साकार में अगर किसी बच्चे ने बाप को पूछा अपात्र बच्चे ने पूछा ये पात्रता नहीं है और पूछा बहुत महंगा जाएगा शापित हो जाओगे ध्यान में रखना बच्चे शापित हो जाओगे चेक कर बाप दादा को भी बच्चों के बिना अच्छा नहीं लगता कौन से बच्चे पात्र है तुम देख अभी सारा ज्ञान क्लियर करता हूं बड़ा उड़ रहा था ना ज्ञान में भगवान मिला भगवान मिला कहा है दिखा जरा मैं भी देखूं, समझ की बात है बच्चे चेक कर।, चेक कर अपने आप को चेक कर समझ की बात है सारी अव्यक्त वाणिया जो है ना उनको ध्यान से देख वीडियो कौन से मुरली में किसके प्रति बाप की दृष्टि से जो स्टेज पे मिल रहे हैं उन्हीं की बात कर रहा है बाप फिलहाल कौन से मुरली में किसके प्रति बाप की आंखों में बेहद प्यार दिख रहा है जरा देख और किसके प्रति हर मुरली में दिख रहा है जरा देख है कोई ऐसा पात्र जिसके प्रति हर मुरली में बेहद का प्यार दिख रहा है देख जरा अव्यक्त वाणियों के वीडियोस देख बस कहे नहीं कि बाबा हमसे प्यार करता है पात्रता चाहिए ध्यान में रखना बच्चे इस बात को पूरी पूरी पात्रता चाहिए बिना पात्रता के नहीं करता बाप किसी बच्चों से प्यार किन्हीं भी बच्चों से प्यार नहीं करता क्यों करे भाई समझ की बात है पात्र बनो उस समय माइक बंद हो गया पहला पहला अनुभव है ना इसलिए यह भी ड्रामा में खेल समझना कोई भी बात नीचे ऊपर नहीं समझना अच्छा है और अच्छा ही रहेगा बहुत अच्छा बहुत अच्छा करते आप भी अच्छे बन जाएंगे और ड्रामा की हर सीन भी अच्छी बन जाएगी क्योंकि आपके अच्छे बनने के वाइब्रेशन कैसी भी सीन हो नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल देगी इतनी शक्ति आप बच्चों में है सिर्फ यूज करो शक्तियाँ बहुत हैं समय पर यूज करके देखो तो बहुत अच्छे अच्छे अनुभव करेंगे यह नया हॉल और नया वर्ष तो इसमें क्या करेंगे नए वर्ष में कुछ नवीनता करेंगे ना तो यह वर्ष अनुभवी मूर्तबन औरों को भी अनुभव कराने का वर्ष है समझा क्या करना है अनुभव करना है वाणी द्वारा वर्णन तो करते ही हो लेकिन हर 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 बच्चे को हर शक्ति का हर गुण का गुण अनुभव करना है, अनुभवी मूर्त हो ना? अनुभवी मूर्त मूर्त हो या वाणी मूर्त हो हर गुण का अनुभव करा सकते हो आप में गुण है कि किसी को शांति का अनुभव करा सकते हो सुख का प्रेम का शक्ति का पवित्रता का आनंद का अष्ट शक्ति दिव्य गुणों का अनुभव करा सकते हो बच्चे बिना ज्ञान दिए किसी को ज्ञानी बना सकते हो है हिम्मत अपने वाइब्रेशन से किसी को ज्ञानी बनाना है अपने सकाश से किसी को ज्ञानी बनाना है कर सकते हैं बिना मुख से एक शब्द बोले सामने वाले को सब समझाना है एडवांस टास्क है एडवांस्ड है टास्क देखो कर सकते हो क्या बिना बोले सब देना है न वो मांगे वना न वो बोले न तुम बोलो तुम कहो और उसे सब मिल जाए कर सकते हो कब बनोगे ऐसे दर्शनीय कब बनोगे अंत तक वाणी से ही करना है मेरा पार्ट है मेरा पार्ट है वाणी से देना मैं किसी को नहीं बनाऊंगा मैं बस ज्ञान दूंगा बनना है तो बनो नहीं बनना है तो मत बनो बनाना मेरा काम नहीं तुम बना सकते हो बिना ज्ञान दे चेक करो बना सकते हो क्या है इतनी शक्ति चेक करो अनुभवी हो लेकिन इस वर्ष में कोई भी ऐसा बच्चा नहीं कहे कि मुझे इन बातों का तो अनुभव है लेकिन इस बात का अनुभव बहुत कम है बच्चे शांति का अनुभव है पवित्रता सुख प्रेम शक्ति आनंद ज्ञान अष्टशक्तियाँ, दिव्य गुण है अनुभव करा सकते हो आत्मिक स्थिति का अनुभव है किसी को आत्मिक स्थिति में ला सकते हो चेक करो कितने अनुभव जमा किए हैं चेक करो बच्चे कितने अनुभव है तुम्हारे पास जितने अनुभव है ना उतने ही तुम पढ़े लिखे हो ध्यान में रखना इस बात को बाकी तुम अनपढ़ गवार हो क्योंकि अनुभव नहीं है अनुभव ही पढ़ाई है बाकी सब ऊपर ऊपर से सीखना है चेक करना ऐसा कोई बच्चा न रहे क्योंकि ज्ञान का अर्थ ही है सिर्फ समझना नहीं लेकिन अनुभव करना और जब तक अनुभव नहीं किया है तो औरों को भी अनुभवी नहीं बना सकते अगर वाणी तक है अनुभव तक नहीं है तो जिन आत्माओं की सेवा के निमित्त बनते हो वह भी वाणी द्वारा बहुत अच्छा बहुत अच्छा कमाल है यहाँ तक आते हैं अनुभवी हो जाए वह कोटों में कोई कोई में भी कोई है और प्रत्यक्षता का आधार अनुभव है ध्यान में रखना बच्चे कोटों में कोई और कोई में भी कोई अनुभवी बनेगा और प्रत्यक्षता अनुभव के आधार से होगी सारे अनुभव आत्मिक स्थिति का अनुभव सारे गुण शक्तियों का अनुभव परमात्मा अनुभव ड्रामा का अनुभव चक्र का अनुभव सारे के सारे अनुभव है तुम्हारे पास चेक करो सारे अनुभव और अनुभव के आधार से ही प्रत्यक्षता होगी ज्ञान के आधार से नहीं न योग न धारणा न सेवा के आधार से अनुभव के आधार से जितने अनुभव उतनी प्रत्यक्षता चेक करो अनुभव वाली आत्माएं कभी भी वायुमंडल व वा संघ के रंग में नहीं आ सकती हैं, सिर्फ वाणी के प्रभाव वाले कभी नाचेंगे और कभी सोच में पड़ जाएंगे अनुभव अर्थात पक्का फाउंडेशन आधा अनुभव है तो आधा फाउंडेशन पक्का है उसकी निशानी है वह छोटी बड़ी बातों में हिलेगा अचल नहीं होगा क्योंकि आने वाली बातें व वा समस्याएं प्रबल हो जाती हैं इसलिए अधूरे फाउंडेशन वाले लड़खड़ाते हैं गिरते नहीं है लेकिन लड़खड़ाते हैं तो पहले इस वर्ष में अपने अनुभवी मूर्त के फाउंडेशन को पक्का करो बच्चे अनुभव के पक्के बनो ध्यान दो इस बात पर यह अनुभव करने के लिए बाप कह रहा था संसार से निवृत्ति लो तुम क्या अनुभव करोगे चौबीस घंटे लगते हैं दिन के सारी पढ़ाई पढ़ने के लिए इसलिए बाप कह रहा था संसार से निवृत्ति लो और बैठो इस पढ़ाई में शायद अभी जो पंच पकवान खाते हो वो सूखी रोटी खानी पड़ेगी पर भविष्य उज्जवल हो जाएगा पर नहीं दो रोटी के लिए दौड़ रहे दौड़ो ड्रामा कई बच्चे आज बहुत फास्ट चलते हैं और कल थोड़ा सा चेहरा बदला हुआ होता है कारण अनुभव का फाउंडेशन पक्का नहीं है अनुभव वाली आत्माएं कितनी भी बड़ी समस्या को ऐसे हल करेंगी जैसे कुछ हुआ ही नहीं आया और अपना पार्ट बजाया लेकिन साक्षी होकर न्यारे और प्यारे होकर खेल समान देखेंगे बात नहीं खेल मनोरंजन मनोरंजन अच्छा लगता है ना तो कोई भी बात हो आपके लिए बड़ी बात तब लगती है जब फाउंडेशन जरा भी कच्चा है चाहे पचहत्तर परसेंट पक्का है चाहे नब्बे परसेंट पक्का है तो भी हिलने का चांस संभव है बाप दादा को बच्चों की मेहनत अर्थात युद्ध करना अच्छा नहीं लगता मेहनत क्यों युद्ध क्यों क्या योगी के बजाय योद्धे बनने वाले हो या योगी आत्माएं हो युद्ध करने वाले संस्कार चंद्रवंश में ले जाएंगे और योगी तो आत्मा के संस्कार सूर्यवंश में ले जाएंगे बच्चे ध्यान में रखना ये चंद्रवंश और सूर्यवंश आया है इसलिए बताता हूं बाप ने श्रीमत दी और पहले सेकंड में पालन की सूर्यवंश एक सेकंड भी देरी की चंद्रवंश चेक करना तो क्या बनना है सूर्यवंशी या चंद्रवंशी बनना है सूर्यवंशी बनना है तो युद्ध खत्म इस वर्ष में युद्ध खत्म हुई इसमें हाँ नहीं कहते हो कहने से कहते हो बाप दादा तो न देखते हुए भी बच्चों की रिजल्ट देख लेते हैं हर समय की रिजल्ट नैनों के सामने नहीं लेकिन दिल में आ ही जाती है यहाँ साकार वतन में जब आप थोड़ा थोड़ा या बहुत हिलते हो तो बाप को वह वतन में अनुभव होता है कि कोई हिल रहा है इसलिए जैसे शांतिवन की खुशी है हॉल की खुशी है ऐसे बाप दादा और इतने बड़े संगठन के बीच यह वायदा करो कि इस वर्ष में हलचल से परे हो अचल अडोल बनना ही है बनेंगे नहीं बनना ही है ऐसे है जो समझते हैं बनना ही है सोचेंगे करेंगे देखेंगे या नहीं वह हाथ उठाओ अच्छा मुबारक हो और जिन्होंने किसी भी कारण से नहीं उठाया ऐसे नहीं हो सकता कि नहीं बनेंगे लेकिन कोई कारण से नहीं उठाया हो तो वह उठाओ शर्म आता है उठाने में तो सोचो जब हाथ उठाने में शर्म आता है तो करने के टाइम भी शर्म करना शर्म छोड़ दी है क्या लज्जा समझ में नहीं आते भगवान के वचन भगवान क्या चाहता है अचल बनो अडोल बनो सदा खुशनुमा बनो चाहता है ना उसका संकल्प भी है उसने सारी शक्ति लगा दी है तुम्हारे पीछे पर बने हो नहीं बने हो कब बनोगे शांति है तुम्हारे जीवन में सुख है प्रेम है समझ है बच्चे चेक कर लास्ट टाइम भी पूछा था कितने इस दुनिया के लोग तुझसे प्यार करते स्नेह करते चेक कर एक भी नहीं मिलेगा एक भी नहीं तू कितनों से प्यार करता है एक भी नहीं तेरे मन के विरुद्ध वो चले जिससे तू कहता है ना तू इससे प्यार करता है तेरे मन के विरुद्ध वो चले और प्यार करके दिखा प्यार है ना तेरा कहा गया प्यार न तू किसी से प्यार करता है न तुझसे कोई प्यार करता है समझ की बात है चेक कर ऐसी तेरी जीवन समझ की बात है अभी तू जाएगा दूसरों को पूछने क्या आप हमसे प्यार नहीं करते पहले तू चेक कर तू उससे प्यार करता है क्या बाद में उन्हें पूछ पूछने का बड़ा शौक है पूछ लटका के घूम रहा है बंदर बन के जा देखो पूछता रहता है जा देखो तू पहले देख तू उससे प्यार करता है क्या प्यार का मतलब है कोई आपके मन के विरुद्ध भी चले फिर भी आप उससे स्नेह करते रहो उनकी केयर करते रहो उनका ध्यान रखते रहो उन्हें आगे बढ़ाते रहो उन्हें खुशी देते रहो इसे कहते प्यार तुझे तो खुशी चाहिए खुशी चाहिए दूसरों से दूसरे तुझे खुश रखे भिखारी बनाए खुशी का मांगता रहता है इन्होंने ऐसे बोला उन्होंने वैसे बोला नाराज होता रहता है उदास होता रहता है बच्चे चेक कर तेरे इस जीवन की यात्रा में तेरा कोई साथी सहयोगी बनने के लिए तैयार नहीं है तू देख इस ईश्वरीय परिवार से जितना भी दुनिया भर का ईश्वरीय परिवार है बाबा का या दुनिया भर में से कोई भी व्यक्ति तू बस मुझे दिखा कि एक जन्म के लिए तुझ आत्मा का मां बाप बनने के लिए कौन तैयार है बस एक जन्म का दिखा है कोई तैयार कहा बनाया है ईश्वरीय परिवार कोई राजी नहीं तेरा मां बाप बनने के लिए तू बता चल किसका मां बाप बनने के लिए तैयार है? है कोई एक भी तेरा साथी सहयोगी नहीं है इस राह पर अकेला है तू इतने वर्षों से अकेले जीवन काट रहा है संगम की बात नहीं कर रहा हूं कल्प की बात कर रहा हूं कल्प में किसी भी जन्म में तेरा मां बाप बनने के लिए कौन राजी है बता है तेरा किसी के साथ स्नेह का संबंध है है किसी और का तेरे साथ स्नेह का संबंध कहा है तेरा ईश्वरीय परिवार बता जरा समझ की बात है बच्चे कब बनोगे कब बनोगे वन गॉड तो यहां है वन वर्ल्ड भी यहां है वन फैमिली कब बनेगी समझ की बातें समझ की बात है ब्रह्मा बाप के लिए मम्मा के लिए पूछो कोई भी किसी भी जन्म में उनका बच्चा बनने के लिए तैयार है और उनके अगर मां बाप का पार्ट मिला तो अव सौभाग्य समझेंगे हर कोई राजी है दुनिया में से हर कोई राजी है ब्राह्मण परिवार में से तेरे लिए क्यों कोई राजी नहीं है बता जरा क्यों भाई ना तू किसी के लिए राजी है तूने रचे है अपने जन्म कहा है तेरा सौभाग्य बता जरा कहा है तू पूरा ज्ञान में है होश में आ। कौन तू प्यार करता है स्नेह करता है बच्चे बता कौन करता है तू किसी से पूछ मत तो अपने अंदर झांक के देख तू तो किससे स्नेह करता है स्नेह का अर्थ है कितनी भी बड़ी गलती हो जाए माफ करना और प्यार करते रहना इसको कहते स्नेह इसको स्नेह कहते समझ है देख तेरे मन में है बच्चे तुझे किसी ने अब तक समझाया नहीं है अब जब बाप समझा रहा है ना जमीन खिसक रही है पैरों तले आसमान भी ऊपर से खिसक रहा है कि अब तक किया क्या पता नहीं इतने वर्षों में अब थोड़ा समय बचा है जाग सकता है तो जाग वरना ड्रा मा और क्या कहूं सोचना कि यह शर्म करने की बात है तो नहीं होगी पक्के हो जाएंगे क्योंकि कई बच्चे बार बार पूछते हैं चाहे निमित्त बच्चों से या रूह रिहान में बाप दादा से एक ही क्वेश्चन करते हैं बाबा विनाश की डेट बता दो सभी का क्वेश्चन है ना अच्छा बाप दादा कहते हैं डेट बता देते हैं चलो 2000 में पूरा होगा तो क्या करेंगे यह कोई डेट नहीं दे रहे मिसअंडरस्टैंड नहीं करना बाप दादा पूछ रहे हैं कि समझो 2000 तक आपको बताते हैं तो क्या करेंगे जैसे अभी बाप कहता है चलो बच्चे 2025 तक पूरा होगा सब नाटक क्या करेंगे बताओ जरा वह 2000 किया अभी से ऐड कर दिया है क्या करेंगे बोलो कुछ करेंगे नहीं करने का आता पता नहीं डेट बताओ क्यों भाई डेट से करोगे क्या यह तो बताओ समझ की बात है बच्चे 2000 में हुआ नहीं है और 25 की गारंटी नहीं है संभल कर रहना 2000 में हुआ नहीं और 25 की गारंटी नहीं है तैयार रहना तैयार रहना समझ है। मैंने पॉसिबिलिटी बताई ध्यान में रखना और संभल कर रहे ना अब दिखाओ बना के अपने आप को ब्रह्मा बाप समान दो वर्ष है दो वर्ष बनाने में ही गए विश्व सेवा कब करोगे इन दो वर्षों में तैतीस करोड़ आत्माएं बाप की बनने वाली है हर धर्म के आत्माओं को परमात्मा मिलने वाला है सारे विश्व में प्रत्यक्षता होने वाली है बहुत कुछ है तैयार हो चेक करो अपने आप को अगर 25 तक है तो यह सब होकर रहेगा समय नहीं लगेगा होकर ही रहेगा अचानक का पार्ट है बच्चे अचानक का बच्चे ड्रामा ने अगर साक्षात्कार करा दिया ना हिमालय के योगियों को नागाज को अघोरियों को संन्यासियों को साइंटिस्ट को कि मैं यहां बैठा हूं तो एक दिन में प्रत्यक्षता हो जाएगी और फिर सब कुंभकरण जगेंगे एक दिन और ध्यान में रखना बाप के वचन अंत में साक्षात्कार की धूम मचेगी बच्चे तैयार रहना आज मुरली में कहा है इसका मतलब ड्रामा कुछ है तैयार रहना लेट अगर जागे तो तुम कुंभकरण बनेंगे संभल कर रहना प्रत्यक्षता से पहले जागे तो विभीषण बनेंगे और राज्य मिलेगा मर्जी तुम्हारी कब जागना है ड्रामा बच्चे तुम्हारी अपनी मर्जी मालिक हो मर्जी के तुम पर होना निश्चित है होना निश्चित है होकर ही रहेगा पर बच्चे संभल कर रहना बाद में कुंभकरण की कैटेगरी है पहले विभीषण की कैटेगरी है तुम कौन हो चेक करो तुम चेक करो अपने आप को तैयार रहना बच्चे ड्रा मा अलवेले बनेंगे या तीव्र पुरुषार्थी बनेंगे अगर बाप ने डेट दी तो तीव्र पुरुषार्थी बनेंगे और बाप दादा कहते हैं कि इस वर्ष में हलचल होगी तो फिर क्या करेंगे चल बच्चे ये भी कहता हूं चौबीस में अगर महाविनाश तेरे दरवाजे पर आया तो तैयार है संकल्प नहीं कट कर रहे तैयार है क्या बता जरा कुछ भी हो सकता है बच्चे बी रेडी तैयारी रख ड्रामा कभी भी घूम सकता है ड्रामा का चक्र है वो उसकी गति अभी इतनी तेज है ना इतनी तेज न किसी के समझ में आएगी न किसी के पकड़ में आएगी इतनी तेज है तो सोच भी नहीं सकता कब क्या होगा बच्चे तैयार रहना और तीव्र पुरुषार्थ कर लेंगे या थोड़ा थोड़ा डेट कॉन्शियस हो जाएंगे गिनती करते रहेंगे कि इतना समय पूरा हुआ एक मास पूरा हुआ एक वर्ष पूरा हुआ बाकी इतने मास हैं तो डेट कॉन्शियस बनेंगे या सोल कॉन्शियस बनेंगे क्या करेंगे अलबेले नहीं बनेंगे यह तो नहीं सोचेंगे कि अभी तो चार वर्ष पड़े हैं क्या हुआ लास्ट वर्ष में कर लेंगे ऐसे अलबेले नहीं बनेंगे या थोड़ा थोड़ा बन जाएंगे आप नहीं भी बनेंगे तो माया सुन रही है वह ऐसी बातें आपके आगे लाएगी जो अलबेलापन आलस्य बीच बीच में आएगा फिर क्या करेंगे इसलिए बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि डेट कॉन्शियस नहीं बनो लेकिन हर समय अंतिम घड़ी इतना हर घड़ी में एवर रेडी रहूँ अच्छा मानो बाप दादा कहते हैं अच्छा मानो बाप दादा कहते हैं 2000 के बाद होगा चलो आपने मान लिया रियल नहीं है लेकिन मान लिया तो आप 2000 में संपूर्ण बनेंगे और दूसरों को कब बनाएंगे सतयुग में बनाएंगे क्या बनाने वाले थोड़े हैं और बनने वाले बहुत हैं उनों के लिए भी समय चाहिए या नहीं अगली सीजन में भी पूछा था कि कम से कम सतयुग आदि के नौ लाख बने हैं नहीं बने हैं तो विनाश कैसे हो किस पर राज्य करेंगे पुरानी आत्माओं के ऊपर राज्य करेंगे नई आत्माएं तो तैयार हुई नहीं और विनाश हो जाए तो क्या करेंगे इसलिए बाप दादा ने यह काम अपने बच्चे जो ज्योतिषी है ना उन्हों के ऊपर ही रखा है जो ज्योतिषी कर सकते हैं वह बाप क्यों करेगा फिर भी बाप के बच्चे उन्हों को कमाने दो बच्चे इन बच्चों की ज्योतिषी बच्चों की ही बात आपको सुना रहा है बाप 2025 ऐसे कहा है उन्होंने कि 2025 तक सब खत्म होने वाला है कुछ नहीं बचेगा अभी उन बच्चों ने किया है प्रडिक्शन, तो बाप ने तो कहा है ना उन बच्चों का काम है हो सकता है और उनके प्रडिक्शन अब तक खाली नहीं गए बच्चे तैयार है ना 2025 तक बी रेडी अभी दिन गिनो दिन गिनो समझ है। बड़ा शौक था ना संसार करने का करो रा कमाई का साधन यही है अगर किसको बहुत जल्दी हो तो उन बच्चों से पूछो बाप नहीं बताएगा कब विनाश होगा बाप ने तो राय दी है उन बच्चों से पूछो और उन बच्चों ने ही प्रेडिक्ट किया है पूछने की भी जरूरत नहीं है उन बच्चों ने ही प्रेडिक्ट किया है यह समय बच्चे क्या क्या समेटोगे कब समेटोगे बच्चे तुम्हें पता है बाप का पूरा बनने में जैसे माता के गर्भ में गर्भ तैयार होने में बच्चा पूर्ण रूप से उसका शरीर तैयार होने में नौ मास नौ दिन लगते हैं। ये कहते हैं उसी प्रकार बाप का संपूर्ण बनने के लिए नौ मास लगते हैं सारा संसार समेटने के लिए नौ मास लगते हैं चार मास में तो धीरे धीरे भूलोगे पर लगातार जब इस अवस्था में रहोगे ऐसी अवस्था नौ मास तब भूलोगे अब बच्चे कितने वर्ष पच्चीस में भी कब होगा पता नहीं है कितने मास रहे उसमें से नौ मास में तुम्हें संपूर्ण रूप से संसार से बाहर निकलना है इसलिए तो मैं कह रहा हूं संपूर्ण रीति से बाप के बनो उसके बाद तुम जो पुरुषार्थ करोगे वो अंदर गिना जाएगा उसके बाद अब का पुरुषार्थ उससे तो तुम अब तक बाप के भी नहीं बने हो क्या गिने उस पुरुषार्थ को यही तो बात है ड्रामा बच्चे जो करना है करो समझा इस वर्ष क्या करना है अनुभवी मूर्त कई बच्चे रो रिहान में बहुत ही मीठी मीठी रो रिहान करते हैं कहते हैं क्या करे बाबा इतना हो इतना तो हो गया है बाकी इतना आप कर लो राज्य हम करेंगे लेकिन संपूर्ण आप बना दो ऐसे होगा बाप मददगार ज़रूर है और अंत तक रहेंगे यह गारंटी है लेकिन किसके मददगार जो पहले हिम्मत का पाव आगे करते हैं फिर बाप मदद का दूसरा पाव उठाने में संपूर्ण मदद करते हैं हिम्मत का पाव उठाओ नहीं और सिर्फ कहो बाबा आप कर लो बाबा आप कर लो तो बाप दादा भी कहेगा देखेंगे पहले पाव तो रखो एक पाव भी नहीं रखेंगे तो कैसे होगा इसलिए इस वर्ष में हर समय यह चेक करो कि हिम्मत के पाव मजबूत हैं बाप को कहने के पहले यह चेक करो हिम्मत का पाव बढ़ाया और मदद नहीं मिले यह असंभव है सिर्फ थोड़ा सा हिम्मत का पाव बढ़ाओ इसीलिए गाया हुआ है पहला शब्द क्या आता है हिम्मत बच्चे मददे बाप इसको उल्टा नहीं करो मदद दे बाप और फिर हिम्मत बच्चों की बाप तो मुस्कुराते रहते हैं वहाँ मेरे लाडले बच्चे वहाँ निश्चय से हिम्मत का पाँव जरा भी आगे करेंगे तो बाप पदम गुणा मदद के लिए हर एक बच्चे के लिए हर समय तैयार है अच्छा नए वर्ष में और क्या करेंगे अभी तक सेवा की एक बात रही हुई है कौन सी गीता का भगवान तो हो जाएगा लेकिन बाप दादा ने अगले वर्ष हर जोन को कहा था कि स्नेही सहयोगी संपर्क वाले तो बहुत बने हैं और बनेंगे लेकिन अभी वारिस निकालो वारिस कम निकालते हैं क्योंकि बाप दादा हर सेवा केंद्र की रोज़ की रिजल्ट देखते हैं तो चारों ओर की रिजल्ट में वारिस कम है स्नेही सहयोगी अच्छे हैं लेकिन उनों को आगे बढ़ाओ या कोई भी नयों को लास्ट वालों को फास्ट करके वारिस क्वालिटी बाप के सामने लाओ कोई कोई निकलते हैं लेकिन गिनती करने वाले हैं जब चाहते हो कि 2000 तक परिवर्तन हो चाहते तो सभी ऐसे ही हो तो वारिस कितने बनाए हैं सतयुग की प्रजा भी रॉयल चाहिए वह कम है प्रजा बनी है यह जो अभी अनेक प्रकार की कॉन्फ्रेंस की है बाहर की स्टेज पर जो भी प्रोग्राम्स मिले हैं इस वर्ष में प्रभाव और प्रजा यह रिजल्ट अच्छी है लेकिन बाप दादा क्या चाहते हैं अभी वारिस क्वालिटी तैयार करो यह वारिस तैयार करेंगे तब एडवांस पार्टी भी प्रत्यक्ष होगी और बाप के नाम का प्रत्यक्षता का नगाड़ा चारों ओर बजेगा अभी तक की रिजल्ट में कहते हैं कि यह भी अच्छा काम कर रहे हैं या कोई कोई कहते हैं कि यही कर सकते हैं लेकिन परम आत्मा की तरफ अटेंशन जाए परम आत्मा का यह कार्य चल रहा है वह अभी इनकोग्नेटो यानी गुप्त है बच्चे अपनी शक्ति से स्नेह से बाप को प्रत्यक्ष करने का अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं लेकिन अभी जब तक स्नेही है सहयोगी है तब तक बाप की प्रत्यक्षता मैदान पर नहीं आई है अच्छा है यहाँ तक हुआ है लेकिन सबके मुख से यह निकले कि बस अभी समय आ गया बाप आ गया तब विनाश भी आएगा तो बाप कहते हैं कि बाप से नहीं पूछो कि विनाश कब होगा बाप आपसे पूछते हैं कि आप कब तैयार होंगे पर्दा खोले तैयार हो कि पर्दा खुलेगा और तैयार होते रहेंगे कम से कम सोलह हजार एक सौ आठ पक्के पक्के रतन तो प्रत्यक्ष करो माला तो बनाओ बाप भी देखे तैयार है इतनी मार्जिन है ज़्यादा नहीं कह रहे हैं नौ लाख नहीं कह रहे हैं सोलह हजार एक सौ आठ की माला बनाओ तो इस वर्ष बनाना देखेंगे कि सोलह हजार एक सौ आठ की निर्विघ्न अचल माला तैयार है या अभी थोड़ा थोड़ा लड़खड़ाते हैं थोड़ा थोड़ा खेल दिखाते हैं पांडव क्या समझते हो बोलो तैयार हो दादिया तो बोलती है हाँ सभी शक्तियों की हाँ है सोलह हजार एक सौ आठ तैयार है अच्छा अठारह तारीख को माला बना कर देना हाथ उठवाएंगे तो आधी सभा कहेगी सोलह हजार में है जो समझते हैं कि हम सोलह हज़ार में हैं वो दादियों को अपनी चिटकी लिख कर देना कि मैं सोलह हजार में हूँ या एक सौ आठ में फिर दादियाँ पास करेंगी ऐसे नहीं समझना कि चिटकी दे दी है पहले यह पास करेंगे फिर बाप दादा पास करेंगे फिर फाइनल रिजल्ट बताएंगे अच्छा, बच्चे समझे? तुम भी जो भी जब कभी भी आते हो दादी दादिया बैठी है तुम बताओ तुम कहाँ हो यहाँ के दादियों को लिख के दे दो तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पुरुषार्थ से तुम कहां तक पहुंचे हो दादी अच्छी खासी पक्की है तुम्हारी परीक्षा लेंगी मुझ तक आने की बात ही नहीं है आई तुम्हें बता देंगी यहां की कि तुम कहां पहुंचे हो मेरी बात छोड़ दो मेरी बात छोड़ो एक बार बच्चों को पूछा था आत्मिक स्थिति में कितना परसेंट हो दूसरी बार पूछा था बाप से स्नेह कितना है बच्चे पक्के हुए अभी दादिया आने वाले बच्चे आप भी तो देखो अभी बात की ना परखना है ये कौन से नंबर वाली आत्मा है सोलह हजार एक सौ आठ सोलह हजार एक सौ आठ आठ कहा की है ये नौ लाख दो करोड़ परखनी है बच्चे आत्मा को परखना है माला को परखनी है कैसे होता है बच्चे स्कूल में भी ऐसे होता है टीचर परखता है हाँ ये बच्चा नंबर वन में जा सकता है अपने लौकिक का और स्कूल का भी नाम बड़ा कर सकता है तो टीचर भी उस पर ज्यादा अटेंशन देते हैं क्योंकि पढ़ने के लिए राजी है तो जो बच्चे आएंगे उसमें से आपको भी पता चलेगा कौन विश्व कल्याणकारी है और कौन स्व कल्याणकारी है विश्व कल्याणकारी है तो हमारे काम का है स्व कल्याणकारी है तो हमारे किसी काम का नहीं है लक्षण तो आप दादिया जानती हो आप जानते हो लक्षण बताने की आवश्यकता नहीं है समझ के बाद अभी बाप भी चाहे आने वाले जो बच्चे है ना उनको है ना विश्व कल्याणकारी और स्व कल्याणकारी विश्व कल्याणकारी और स्व कल्याणकारी इस हिसाब से ट्रीटमेंट देनी है अभी बाप पूरी पूरी पार्शलिटी करेगा पूरी पूरी विश्व कल्याणकारी है ना उसे हाई ट्रीटमेंट बाप बैठेगा साथ में पर्सनली स्व कल्याणकारी को बस मुरली पर्सनली बाप के साथ एक मिनट भी नहीं नॉट अलाउड स्वकल्याणकारी है ना क्यों बैठे बाप तू सुन मुरली और कर अपना कल्याण पूरी पूरी पार्शलिटी इस बेसिस पर स्वकल्याणकारी और विश्व कल्याणकारी आप दादियों का काम है आने वाले बच्चों में से जिनका भाग्य है जो पहुंचेंगे कभी भी जब ड्रामा हो बाप को लिस्ट निकाल के देनी है उनको पूछकर और सिर्फ ऐसे नहीं कि हर कोई आएगा और कहेगा मैं विश्व कल्याणकारी हूं तो उसे तुरंत कहना है देखो अगर आप विश्व कल्याणकारी हो ना तो यहां से जा नहीं सकते अभी अपने घर में फोन लगाओ और कहो हम वापस नहीं आएंगे हम समर्पित हो गए हम वापस नहीं आ रहे सीधी बात हम पूर्ण रूप से समर्पित हो गए पूर्ण रूप से बाप के बन गए पहली कंडीशन ऐसी अनेक कंडीशन है विश्व कल्याणकारी की बताएंगे तो आपका काम है बाप को लिस्ट देना कौन स्वकल्याणकारी है कौन विश्व कल्याणकारी है फिर बाप नहीं जानता तेरे घर परिवार का क्या होगा मुझे कोई लेना देना नहीं ये पूरे विश्व एक परिवार का क्या हो रहा है तुझे लेना देना है नहीं ना तो तेरे परिवार के बारे में बाप क्यों सोचे तुझे कभी दया आई कोरोना आई जिनके साथ दुख की घटना घटित हो रही जिनके बाल बच्चे पति पत्नी माता पिता शरीर छोड़ रहे हैं। जिनका घर बार बाढ़ में तूफान में लुट रहा है भूकंप में समाप्त हो रहा है दया आई कभी मेरे बच्चे हैं ना परिवार है ना विश्व एक दया आई तुझे तो मुझे क्यों दया आए तेरे परिवार के लिए क्यों आए तुझे मेरे परिवार के लिए दया नहीं है तो मुझे तेरे परिवार के लिए दया क्यों हो? होने दो जो होना है तू तो विश्व कल्याणकारी है ना तो समर्पण करके दिखा मुझे झंझट नहीं चाहिए तेरे लौकिक के फिर यहां पर कोई झंझट नहीं चाहिए यहां पर मैंने कब कहा बन ही विश्व कल्याणकारी तू कहेगा हम जाएंगे नहीं फिर तेरा लौकिक परिवार यहां आएगा मैं झंझट देखू मैं सब ये सॉल्व करूं मैं उनसे बात करूं लौकिक में से कोई आया ना जिंदगी भर बैन कर दूंगा छह माह एक साल नहीं जिंदगी भर शरीर छोड़े ना तो भी आत्मा रूप में भी मिलने नहीं दूंगा बाप से ध्यान में रख सीधे बताता हूं लौकिक में झंझट करते समझ में नहीं आता मैं तेरे ये सब झंझट समाप्त करने के लिए बैठा हूं यहां पर मुझे कोई और काम धंधा नहीं है मैं सिर्फ ज्ञान से विश्व कल्याण करने के लिए बैठा हूं ध्यान में रख तो बच्चे सुविधा विदा दिया जब भी आएंगे आपका काम है बाप को लिस्ट देना स्व कल्याणकारी और विश्व कल्याणकारी लक्षण देखकर कर भल वो कितना भी कहे आपको बताना है ये स्व कल्याणकारी है विश्व कल्याणकारी है आपको बताना है सभी दादिया मिलकर और पांडव मिलकर चाट देना है बाप को कि आने वाले बच्चों में से कौन क्या है उस आधार से आगे ड्रामा होगा अच्छा ओर के उमंग उत्साह से आगे बढ़ने वाले सदा इकोनॉमी के अवतार बन समय संकल्प वाणी और कर्म को बचत के खाते में जमा करने वाले साकार व वा आकार रूप में नया वर्ष मनाने वाले सिकिलदे बच्चे बाप दादा देख रहे हैं कि चारों ओर के बच्चे साकार में नहीं तो आकार रूप में मधुबन में ही है और आकार रूप में मना रहे हैं तो सभी को बाप दादा नए वर्ष की शांति वन के स्थापना की मुबारक और याद प्यार दे रहे हैं सभी संतुष्ट मणियों को नमस्ते बच्चे बाप ने नमस्ते किसे किया सभी संतुष्ट मणियों को अगर तू है तो तुझे मेरा नमस्ते वरना नहीं बच्चे नमस्ते नहीं है क्यों करूं मैंने तो दे दिया सभी संतुष्ट मणियों को जो सदा संतुष्ट है किसी भी बात में कभी भी असंतुष्ट नहीं है उन्हीं को नमस्ते मैं सदा संतुष्ट हूं तो सदा संतुष्ट जो है वो सदा संतुष्ट को ही नमस्ते करेगा और किसी को क्यों करे समझ है तू तो कभी संतुष्ट कभी रुष्ट मन नाराज क्यों करे नमस्ते इसलिए बच्चे इतने वर्ष हुए तुझे बाप से शायद कुछ नहीं मिल रहा है शायद तू खाली है दस बीस पचास साल से मुरली सुनकर न कभी तुझे नमस्ते मिला न कभी तुझे भगवान का याद प्यार मिला ड्रामा बच्चे और क्या कहो वरदान है अपने आदि अनादि स्वरूप की स्मृति द्वारा सर्व बंधनों को समाप्त करने वाले बंधन मुक्त स्वतंत्र भव आत्मा का आदि अनादि स्वरूप स्वतंत्र है मालिक है यह तो पीछे परतंत्र बनी है इसलिए अपने आदि और अनादि स्वरूप को स्मृति में रख बंधन मुक्त बनो मन का भी बंधन न हो अगर मन का भी बंधन होगा तो वह बंधन और बंधनों को ले आएगा बंधन मुक्त अर्थात राजा स्वराज्य अधिकारी ऐसे बंधन मुक्त स्वतंत्र आत्माएं ही पास विद ऑनर बनेंगी अर्थात फर्स्ट डिवीजन में आएंगे स्लोगन है मास्टर दुख हरता बन दुख को भी रूहानी सुख में परिवर्तन करना ही सच्ची सेवा है अच्छा ओम शांति सभी बच्चों के लिए माता पिता बाप दादा और शिव बाप की तरफ से टोली स्वीकार हो टोली खाओ और बच्चे संगम का अपना भाग्य जो भी बचा है ले सकते हो तो लो वरना ड्रामा अच्छा ओम शांत sun